किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। स्वस्थ नौजवान ही किसी देश के भविष्य को तराशने में मददगार साबित हो सकते हैं। हमारे लिए गर्व की बात यह है कि भारत में युवाओं की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यूथ में हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है और डेथ रेट्स भी ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे हार्ट अटैक्स जो है उसकी बजाय हमारे देश में हार्ट अटैक्स जो है वो कम से कम 10 या 15 साल पहले होते हैं एवरेज एज। सुना आपने, नौजवानों पर अटैक कर रही है दिल की बीमारी। जिस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवाओं की फौज हो उस देश के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकती है ये बताने की जरूरत नहीं। WHO ने 6 साल पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर भारत में दिल के मरीजों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2020 तक भारत दिल के मरीजों की संख्या में नंबर 1 देश बन जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 12% दिल के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। ये आंकड़ा पश्चिमी देशों से दोगुना है। भारत में हर साल दिल की बीमारी की वजह से 3 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। 15-20% दिल के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। ये आंकड़ा 2015 तक 6 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। समय पर इलाज के लिए समय रहते दिल की बीमारी की पहचान जरूरी है। सांस लेने में तकलीफ, घबराहट, दिल की धड़कनों का अनियमित होना, छाती, बाजुओं और कलाई में दर्द, बहुत अधिक पसीना आना, ये दिल की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो बहुत अच्छा अपना इलाज करें। कोशिश करें ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में रहें और कोलेस्ट्रॉल को कम रखें। यही नहीं, दिन में कम से कम 10,000 कदम रोज चलें और जितना हो सके फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। युवाओं को दिल की बीमारी होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका गलत रहन सहन और उनका गलत खान पान। इसके साथ ही भारत में दिल की बीमारी का इलाज कराना भी बेहद महंगा है, जिसकी वजह से केवल 2% लोग ही अपना इलाज करा पाते हैं। डॉक्टर्स की माने तो 90% लोग अपने आप को दिल की बीमारी से बचा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा सुधार करें। रोजाना 30 मिनट कसरत जैसे बदलाव दिल की बीमारी के खतरे को 30% तक कम कर सकते हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 33 सेकंड में एक शख्स दिल की बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा रहा है, जिसमें ज्यादातर युवा हैं। ये खबर चिंताजनक है। देश के बेहतर भविष्य के लिए सरकार को जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ इस बीमारी के इलाज को सस्ता करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनिल सिंह के साथ आरती पांडे, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।